वाराणसी के ज्ञानबापी मस्जिद में आज राउंड दो सर्वे हुआ है। आज सर्वे का लगभग 80% काम पूरा हो गया, जबकि बाकी बचा हुआ 20% सर्वे कल किया जा सकता है। ऐसी खबर आ रही है कि अंदर मलबा ज्यादा होने के कारण सर्वे 100% पूरा नहीं हो सका, इसीलिए अब कल भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ये भी बता दें कि 52 लोगों की टीम ने आज सुबह 8 बजे से 11:40 तक सर्वे किया। आज का सर्वे पूरा होने के बाद वीडियोग्राफी की चिप कोर्ट कमिश्नर को सौंप दी गई। बताया भी जा रहा कि ज्ञानबापी के नक्काशीदार गुंबद की ड्रोन से वीडियोग्राफी हुई, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। ज्ञानबापी मस्जिद के सर्वे के दौरान छत, 4 कमरों, बाहर की दीवारों, बरामदे, तालाब के आसपास की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि कल्पना से ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में कुछ भी नहीं मिला। उधर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस फोर्स अलर्ट रही। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस फोर्स का पहरा रहा। पुलिस प्रशासन ने गलियों में मार्च निकालकर शांति की अपील की। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सर्वे के पहले दिन परिसर के बाहर 10 लेयर की सिक्योरिटी थी, जिसे आज 12 लेयर का कर दिया गया था। इन बातों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा किसी भी प्रकार की ना हो। वाराणसी से हमारे संवाददाता फोनलाइन से जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, आज सर्वे का दूसरा दिन रहा और यह भी कहा जा रहा है कि लगभग 80% सर्वे जो है वो पूरा हो चुका है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, सर्वे में क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है धर्मेंद्र? बड़ी चीज तो मैं बताना चाहूंगा, जो सर्वे आज का हुआ है लगभग 70-80% का सर्वे हो चुका है और 20% होना बाकी है। सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जो मस्जिद के पश्चिमी तरफ का है गुंबद, जो ऊपरी भाग माना जाता है, उसका सर्वे जब किया गया तो उसमें नई रंगाई और प्लास्टर मिले हैं, जिसको लेके कहीं ना कहीं आपत्तियां वादी पक्ष द्वारा जो है दर्ज कराई गई है। और उसके साथ साथ जो 8 फीट का तालाब है, जो अंजुमन करने के लिए मुस्लिम यूज करते हैं, उस सरोवर को भी लेके थोड़ी बहुत आपत्ति हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात बताना मैं चाहूंगा, जो आज का सर्वे पूरा 70% किया गया था, 50% और 8% हो पाया है, तो कहीं ना कहीं जो दोनों पक्षों की चीजें रही हैं, जो सरोवर रहा है, जो गुंबद का भाग रहा है, जो पश्चिमी छोर रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं आपसी जो है थोड़ी बहुत जो स्वास्तिक के कुछ निशान पाए गए थे, कमल के निशान पाए गए थे, क्या कुछ ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है? देखिए, उनसे सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, इस मुद्दे पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जिस तरीके का वादी पक्ष का रिएक्शन रहा, जिस तरीके का वादी पक्ष की मुस्कुराहट रही है, उससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये 4 तहखाने खोले गए थे, उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें मिली है जिससे कि वादी पक्ष द्वारा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रही है। जी जी बिल्कुल धर्मेंद्र चौबे जी, अभी ये भी कहा जा रहा है कि कल भी सर्वे होगा और साथ में ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी लगातार की जा रही है। अब कल जब सर्वे 100% लगभग पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? देखिए, इनसे जो प्रोसेस है कंप्लीट सर्वे होने के बाद जी, जो रिपोर्ट होगी वो ज्ञान मापी में ही तैयार होगी और वादी प्रतिवादी पक्ष द्वारा उस रिपोर्ट पर दोनों जो 52 लोगों की टीम है उससे हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद जिला प्रशासन, एस सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर होंगे, डीएम की मौजूदगी में सारे दस्तावेजों को एक साथ सबमिट किया जाएगा और जो वीडियो होंगे उनको सील करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा इसमें यह है कि कहीं न कहीं जो सर्वे की रिपोर्ट की बात लगातार हो रही थी, जो विरोध हो रहा था जी, जो आपने इससे पहले सवाल किया था जी, कि जो कमल के निशान, तमाम ऐसे निशान है, ऐसे कुछ मलबे हैं जो मस्जिद के अंदर मिले हैं और उसको कुछ ऐसे अवशेष हैं जिसको लेके प्रतिवादी पक्ष के जो रिएक्शन है, जो आज के रिएक्शन है, जो कल के रिएक्शन है, उससे तो कहीं न कहीं कुछ अस्पष्टता नजर आ रही है कि
वादी पक्ष के कुछ पक्ष में ऐसी वीडियोग्राफी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र चौबे, तो सारी क्लिप सौंपी जाएगी और इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे जी, हमारे साथ आप जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे थे वाराणसी की और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि चप्पे चप्पे में पुलिस का पहरा है, गश्त को तेज कर दिया गया है, कई लेयर की पुलिस व्यवस्था की गई है और साथ में जो सर्वे का काम चल रहा है वो लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है। कल सर्वे होगा और जो बचा हुआ 20% है वो कल सर्वे किया जाएगा। इन